मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। चलो शुरू करें। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में हनुमान नाम का एक नटखट छोटा बंदर रहता था। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, उसके पास देवताओं द्वारा दी गई विशेष शक्तियाँ थी। हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके बचपन में एक धूप वाले दिन हनुमान जी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे थे, जब उन्होंने मदद के लिए एक बेहोश चीख सुनी। जिज्ञासा वश उन्होंने फणि का पीछा किया और उनके पेड़ के नीचे बैठे लीला नाम के एक छोटे बंदर की खोज की, जो उदास दिख रहा था। हनुमान उनके पास आए और पूछा, क्या बात है छोटे दोस्त? लीला ने अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, हे हनुमान जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं शीर्ष शाखाओं पर उन रसीले आमों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वे मेरे लिए बहुत ऊंचे हैं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो लीला, मैं उन आमों को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहते ही हनुमान जी पेड़ पर कूद गए और सहजता से शीर्ष पर चढ़ गए और सबसे पके और रसीले आमों को तोड़ा और उन्हें लीला को सौंप दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। लीला ने आम का एक टुकड़ा चखा और बोली, वाह मजा आ गया, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट आम है हनुमान जी, धन्यवाद। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है लीला, मैं हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए यहाँ हूँ। अचानक आकाश से एक आवाज गूंज उठी। यह भगवान इंद्र थे, जो हनुमान के दयालु और निस्वार्थ कार्य से प्रभावित थे। इंद्र ने हनुमान को उनकी भक्ति और दूसरों के लिए प्यार के लिए पुरस्कृत करने का फैसला किया। भगवान इंद्र का जादुई हाथी ऐरावत आमों से भरी टोकरी लेकर हनुमान के सामने प्रकट हुआ। ये आम कोई साधारण आम नहीं थे, उनके पास इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। इंद्र ने हनुमान से कहा, हनुमान जी, आपकी भक्ति और मददगार स्वभाव ने मेरे दिल को छू लिया है। ये जादुई आम अपने खाने वाले की कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। हनुमान जी ने भगवान इंद्र को धन्यवाद दिया, किंतु अपने विनम्र स्वभाव के अनुसार कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं मांगी। इसके बजाय उसने सोचा कि कैसे वह आमों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी ने जादुई आमों को ग्रामीणों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों को आम बांटे। उनके द्वारा खाए गए प्रत्येक आम के साथ उन सभी की मनोकामना पूरी होती गई और उन सभी का जीवन बेहतर हो गया। उस दिन से हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ही करते आ रहे हैं और जहां भी वे गए प्रेम और आनंद फैलाते रहे। दूर दूर तक हनुमान जी की इस कृपा की चर्चा फैल गई। लोग उन्हें संकट मोचन या बाधाओं को दूर करने वाले कहने लगे। हनुमान जी सबके प्रिय बन गए और लोग उनसे शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। और इसलिए हनुमान जी और जादुई आम की यह कहानी हमें निस्वार्थता, भक्ति और दूसरों की मदद करने के महत्व की याद दिलाती है, क्योंकि इन कार्यों से ही हमें सच्चा सुख और आशीर्वाद मिलता है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो या कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दें। मिलते हैं दोबारा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।